हेल्दी एंड फिट बॉडी। जब आप किसी से मिलते हैं, हु वॉन्ट्स अ बैड ब्रेथ, कंज्यूमिंग ग्रीन टी, ऐसा रिसर्च किया गया है, ऐसा पाया गया है, जब आप ग्रीन टी कंज्यूम करते हैं, इट इज नोन टू किल सर्टेन बैक्टीरिया इन योर माउथ व्हिच कॉजेज दैट बैड ब्रेथ। इनफैक्ट जब ये बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाता है तो इट ऑल्सो रिड्यूसेज द चांसेस ऑफ हैविंग ओरल प्लेक और इवन डेंटल कैविटी। जब आप जिम करते हैं तो आपको रिकमेंड किया जाता है कंज्यूम करने के लिए ग्रीन टी, और मे बी व्हेन यू आर ऑन अ वेट लॉस प्लान। ग्रीन टी इज नोन टू बर्न फैट वेरी एफिशिएंटली एंड कीप्स योर बॉडी मूविंग। आपके हार्ट रेट को, आपके हार्ट के पंपिंग को ये बहुत एफिशिएंट करता है। विद एज वी नो दैट द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल इन योर बॉडी डीजेनरेट्स, इट माइट कॉज अल्जाइमर्स और पार्किंसंस। रिसर्च इज बीइंग डन एंड शोन कि ग्रीन टी कंज्यूम करने वाले लोगों में न्यूरॉन्स की डीजेनरेशन रेट कंपैरेटिवली थोड़ी सी स्लो होती है। सो डेफिनेटली इट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन एज वेल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंज्यूमिंग ग्रीन टी कैन कीप यू एक्टिव। अब हम सब, आप स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोगों को पता होगा, पढ़ने के लिए आपको फोकस चाहिए, यू वॉन्ट टू बी मोर एक्टिव। सम पीपल कंज्यूम कॉफी, और कॉफी कंज्यूम करने पर उसमें बहुत हाई अमाउंट में कैफीन होता है, विच माइट कॉज स्लीपलेसनेस। यू डोंट वॉन्ट टू हैव दैट, राइट? जब आप सोने के लिए जाते हो, यू वॉन्ट प्रॉपर स्लीप, बिकॉज स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन टी ऑल्सो कंटेन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैफीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी एंड फ्लेवोनॉइड्स दैट हेल्प्स आवर बॉडी टू इम्प्रूव द ब्रेन, हार्ट, स्किन एंड अदर ऑर्गन्स। So if you want to feel better and live a healthy life, then you might have to consider making green tea a regular part of your life. So I hope this video was very much beneficial to all of you. But yes, like we say, too much of anything is not good. So bahut zyada consume nahi karna hai, in a good amount, it's definitely